मान रही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्म शराजी। प्रोग्राम है फैसला, आपका खसूसी प्रोग्राम NA120 पुरानी अनारकली से आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम की हमेशा से जान आप लोग रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम रहे हैं, पाकिस्तान के इंस रहे हैं, और हमें आप ओन करते हैं और हम आपको ओन करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें NA120 की जो सियासत है और ये जो मार्का है, इसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाब में से ये सबसे बड़ा ज़िमनी इंतखाब है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत के बाद इस हलके से लड़ा जा रहा है और इस हलके में आएंगी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, जो कि तबीयत उनकी ख़राब है, वो कैंपेन नहीं चला रही। उनकी जगह मरियम नवाज साहिबा, जो कि साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी है, वो ना सिर्फ इलेक्शन में यहाँ पे कैंपेन चला रही हैं बल्कि वो अमली सियासत का भी आगाज़ इसी हलके से कर चुकी हैं। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत हार्ड वर्कर हैं। यहाँ पे उन्होंने पिछले इलेक्शन में 52,000 वोट हासिल किया, जो कि इस जो कि PMLN का लाड़काना है, उनके लिए उनके मुकाबले पे मियां नवाज शरीफ के इतने वोट लेना किसी मार्के से कम नहीं था। अब फिर तवक्कु की जा रही है कि वो एक बड़ा कौम देंगी और एक बड़ा इलेक्शन यहाँ पे लड़ेंगी बेगम कुलसूम के खिलाफ। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे फैसल मीर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। पीपल्स पार्टी इससे पहले अपने कैंडिडेट को यहाँ पे पिछले इलेक्शंस में उनका कोई नाम लेवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ से नहीं रहा। एक तवील अरसे के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर इस हल्के में नहीं बल्कि लाहौर में मुतारे कोशिश की है। फैसल मीर आज हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में और इस हलके के 44 कैंडिडेट्स हमारे साथ, जो कि नहीं है लेकिन 44 लोग हैं जो कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में कोशिश तो यही थी कि सारे कैंडिडेट्स हों, लेकिन जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि कैंपेन चल रही है। सो फैसल मीर साहब, आपका शुक्रिया, आप आए हैं अपनी कैंपेन को छोड़ के। उनके बाद हमारी बहुत ही प्यारी हरदिल अजीज, हमारी बहन जिन पे हमें हमेशा से बड़ा फख्र रहा है, उज़्मा बुखारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, कि कैंपेन ये भी रन कर रही है मरियम नवाज के बाद, ये भी बहुत एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो तीसरे कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, जिस से मुतारिफ है वो इब्रारुल हक से भी मुतारिफ है, लेकिन अब्रारुल हक ना सिर्फ एक दर्द दिल रखने वाले इंसान, एक सियासतदान और एक सोशल वर्कर हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज लोगों में से हैं, जो कि अपने हलके की सियासत को बहुत ही पसंदीदगी जिनके लोगों की उनके लिए है, और वो बहुत ही जाँ पेशानी के साथ नारोवाल से अपने हलके के लोगों के लिए काम करते हैं। सो इनके लिए भी बहुत क्लैपिंग, बहुत शुक्रिया। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो मैं फैसल मीर साहब आपके पास आऊंगी, कि PMLN से खातून है लेकिन बाद में PMLN है, कोई खातून नहीं है सियासतदान, वैसे भी हम सब एक बराबर है। आपको इस हलके में अब कैंपेन बिल्कुल अपने आखिरी इख्तिताम की तरफ जा रही है, आपको पूरा मौका मिला यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन चलाने का, जो कि पहले पीपल्स पार्टी कहती थी कि उनको नहीं मिल सका। 2013 के इलेक्शन में अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को, वो लोग जो के जिनके दफातर के लिए इमरान खान पेशावर में गुजारिश किया करते थे कि इनके दफातर खुलवाए जाएं, उन्होंने कैंडिडेट्स को अगवा किया। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जो कि इलेक्शन लड़ा था वो अगवा हुआ। मुल्क भर में हमारे जो हमें थ्रेट थी कि जो भी पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग करेगा, जो कैंडिडेट होगा ओपनली अगर वो इलेक्शन लड़ेगा तो उसको मारा जाएगा। सिमिलरली नवाज शरीफ साहब की जो तादी तंजीमें थी उनका भी हमारे बारे में डिक्लेयर था कि पीपल्स पार्टी को मारना है। हम उस वक्त ये जो इलेक्शन पिछला गुजरा है उसमें पंजाब में पीपल्स पार्टी जी नहीं सकी। इस वक्त जो आप पूछ रही हैं कि पूरी हमें कैंपेन करने की इजाज़त मिली, नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। वही सिचुएशन दोबारा 2013 वाली क्रिएट करने की कोशिश की गई, हमारे ऑफिस में फायरिंग की गई, हमारे जो वर्कर्स मेल और फीमेल वर्कर्स जो गलियों में जाते हैं उनको असला दिखाया जाता है। पंजाब भर से लोग इकट्ठे किए हुए हैं इन्होंने NA120 में, और उसके बाद जो डेवलपमेंट के काम एवरीडे 24/7 गोइंग ऑन, उसमें तो कोई है ही नहीं है। तो शुभ की गुंजाइश,
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज डिटरमिंड टू विन दिस इलेक्शन, और जो इनका फ्लोटिंग वोट है, नवाज शरीफ साहब की जो खौफनाक करप्शन के स्कैंडल लोगों के जुबान पर हैं, इस हल्के के लोगों ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट किया है, इसी तरह इमरान खान साहब की जो खौफनाक करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो भी इनकी जुबान पे हैं, और वो भी फ्लोटिंग वोट है। यास्मीन राशिद साहब ने जो वोट लिया, आपने जिक्र किया, वो पाकिस्तान का फेस थी हमारे हल्के, उनके सुसर फिर उनके देवर इलेक्शन लड़ते रहे, वो खुद एक पीपल्स पार्टी की जाली थी, उनको पीपल्स पार्टी का वोट मिला। अच्छा इब्रार, जैसे कि कहा गया अभी फैसल मीर साहब की तरफ से कि औरतों को हैरेस किया गया, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ही, उन्होंने भी ये कहा कि हमें हमारे लोगों को हैरेस किया जा रहा है और हमें सही तरीके से कैंपेन नहीं चलाई जा रही, इसके अलावा क्या फैक्टर है? ये बात तो दुरुस्त है कि ये पीएमएलएन का हलका रहा है हमेशा, तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी क्योंकि पब्लिक सपोर्ट भी जाहिर है कि उनके साथ नजर आ रही है। आप एग्री करेंगे कि ये जो हैरेसमेंट वाला आंसर है ये कर रहा है यहाँ? आसमान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हल्का नून लीग का था, अगर एक हवाले से देखा जाए तो मुल्क के बेशतर हल्के नून लीग के ही थे। अच्छा, और मैं अर्ज करूं कि शायद मैंने भी किसी वक्त नून लीग को वोट दिया हो, क्या बात है? हम समझते थे शायद दोनों में से, ये तो इंकशाफ है कि आपने नून लीग को वोट दिया हो, मतलब आपने इलेक्शन में दो पार्टियां थी, लेकिन उसके बाद लाजमी बात है हमने टीवी पर चीजें देखी, लोगों को बेनकाब होते हुए देखा, उसके बाद बेशतर कौम ने यह फैसला किया कि अब हम तीसरी कुव्वत को आजमाएंगे, और उसकी तरफ वो आ गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर हलकों में हम देखते हैं कि हमें एक ही आवाज़ आती है कि तब्दीली आनी चाहिए, और पाकिस्तान में वो मस्बत तब्दीली, उसका ख्वाब इमरान खान साहब ने लोगों को दिखाया। तो इस हलके के अंदर भी सारे थाने और 30,000 सियासी जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो इस हल्के में काम कर रहे हैं, जो पेरोल पे हैं। हाँ। तो ये गलत नहीं होगा, पहलवानों का ये इलाका है रहा है, और पहलवान जो अपने जिसे कहते हैं वो होता है, और वो लोगों को अपने रोड रखता है, तो अगर वो बात कही जाए तो वो नून लीग के पास आज भी कुव्वत मौजूद है पहलवानों की, और 28,000 वोट जो आपकी कह दिया आपकी नादरा ने कि वो अनवेरीफाइबल है, वो वेरीफाई नहीं हम कर सकते, उसके ऊपर हम इलेक्शन में गए, तो ये सारे हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ये ना हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो तकरीबन 70% पीटीआई है, 20% पीएमएलएन है, और 10% जो है ये मुझे ये पीपल्स पार्टी है। कैंडिडेट्स है ना आपकी पार्टीज के, वो तो खुद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी वो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पीएमएलएन ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं यहाँ पे दिया, प्री पोल रिगिंग यहाँ पे हुई है, लोगों को सिक्योर नहीं किया गया, तो आप इसके बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो जो है ना वो एक जुमला पहले से शुरू करना है कि खुदा ना वास्ता रोंदी ना मारो, तो ये जो रोंदी वाला धोना पहले शुरू हो गया है वो आपने देख लिया है। जहां तक हैरासमेंट की बात है, फैसल मीर साहब की बात कर लेते हैं, फैसल मीर साहब को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि पीपल्स पार्टी का एक झंडा भी जो है वो लाहौर में नजर नहीं आता था, उस हलके के अंदर मैंने जाके मुझे फैसल मीर साहब ने वहां पर अपनी जो उनका कैंडिडेट के तौर पर उनका हक है उन्होंने करने की कोशिश की, एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, 24 घंटे के अंदर उसके मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए और वो अब भी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में रिमांड है। अब आ जाते हैं हरासमेंट बाकी के ऊपर, जो ये हरासमेंट वाला इशू है ना, ये हमारा भी इशू है, हमने भी कहा, अब जहां जिसका ये हमारी भी कंप्लेंट है, हमारी खवातीन ने भी आके कहा कि और ये तो खैर रिवायत है पीटीआई की, तो एक रिवायत है हरास करने की, एक लंबी तारीख है, सो मेरा ख्याल उस डिटेल में ना ही जाए तो बेहतर है, लेकिन इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटीशंस डाली, इन्होंने कहा कि खिलाफवर्जी हो रही है, इन्होंने कहा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, और तस्वीरें जो इन्होंने दी हैं वो या तो कोई बैनर उतारने की है या बैनर लगाने की है, इसके अलावा कोई एक सबूत इलेक्शन कमीशन के अंदर, मेरी गुजारिश ये है कि वोट जो है वो वोटर ने डालना है, फैसला अवाम ने करना है, फैसला अवाम ने करना है, बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले एक जलसा भी हुआ है जो कहने को जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा का इंतखाबी जलसा था,
और उस जलसे की जो हालत थी उसके अंदर जितना खूबसूरत टर्न आउट था, जो खाली कुर्सियां वहां पे पूरे लाहौर ने देखी, वो अब चंद दिन है, मेरा ख्याल है कि मैं तो दावा नहीं करती, क्या जलसों से वो वोट का अंदाजा लगाया जा सकता है? यही कह रहे थे कल तक अब इमरान खान साहब के इमरान खान के जलसे 2013 में कितने बड़े बड़े थे भाई। खान का 2012 वाला जलसा उसको ऊपर ले जाने के लिए काफी था, तो फिर ये फ्लॉप जलसा भी 2020 से नहीं, 2013 के लिए काफी है। एक तो मेरी गुजारिश है कि ये हमारे जलसे को के ऊपर तनकीद करने वाली लगती हैं। अच्छा। लेकिन क्या हम मेरिट इनसे मिलवाएंगे कि ये जलसा एक फ्लॉप था या कामयाब जलसा था? नहीं, मुझे बताएं ये कैसा जलसा था। कैमरे ब्लॉक, ये जो बैठा है सामने कैमरा, इसकी आंख में देखा मैंने, बात मेरी बात जलसे में तो नहीं थी ना, तो जलसे को इंडिकेटर मैं जाती तौर पे खुद भी नहीं मानता, हालांकि ये कामयाब जलसा था। जमात इस्लामी के जलसे कितने बड़े बड़े होते हैं, मगर लोग उनको वोट उस तरह नहीं देते। आज से बदल गया, आज से बदल गया, आज से नहीं, आज से नहीं। देखिए नहीं, हमारे ख्याल में वो उस जलसे में जो लोग नहीं गए वो हमारे मचल बरदार जुलूस में थे, पीटीआई का वो सारा वोटर जो जलसे में नहीं गया। एक सेकंड, ये नारा भुट्टो दो, जीए जीए, बस इतना बहुत जिंदा था अब पीटीआई की। ये आपकी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी सबसे पहले इन्होंने की है। एक मिनट, ये चुप रहे हैं, ये चुप रहे हैं। मेरी आपको इजाजत है कि आप अगर इधर से आवाज आए आपने बोलना है, आपने खामोशी है। असी सारी उम्र कोड ऑफ कंडक्ट पे चलना, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, आप लोगों को कह रहा नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, आप अपने लोगों को दादागिरी चलने का मामला नहीं, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अच्छा जी, मैं जो बात कर रही थी, मैं जो बात कर रही थी, आप ये फैसल मीर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि जलसों के साइज से वोट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये बात दुरुस्त है फिर? जी, बात ये है कि जलसे जो हैं वो आप जलसा तो असगर खान का भी बहुत बड़ा था एक जमाने में, फिर जमात इस्लामी भी बहुत बहुत बड़े जलसे करती है, दफाए पाकिस्तान सारे पाकिस्तान भर देती है, तो आप अगर आप उसको बैरोमीटर बनाएंगे तो बिल्कुल गलत एक बैरोमीटर होगा। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा जलसों के हवाले के को साथ कनेक्ट करते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त जो सर्वे करने वाले इदारे हैं, एक आदिल शफी गिलानी साहब हैं जो कि गैलप सर्वे के मालिक हैं, वो पेरोल पे रहे सारी उम्र मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एक सर्वे निकाला है जो कि झूठ का एक पुलंदा है। मैं सू करूंगा गैलप पे जो उसने किया है,
क्योंकि हमने लीगल हक है, 17 को जब रिजल्ट आएगा, 17 को जब रिजल्ट आएगा और गैलप के मुंह पे तमाचा लगे आदिल गिलानी साहब के, तो मैं फिर उनको सू भी करूंगा। यानी आप 4% से ज्यादा वोट लेंगे? हम इलेक्शन जीतेंगे, हम 4% नहीं लेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा जी, उसमें आप कुछ कहेंगे? ये अब थोड़ा अमेंड कर दिया खुद ही जो मैं कहने वाली थी। हाँ। कि बिल्कुल फैसल मीर साहब का हक है, अगर ये एक दोबारा सिर्फ ये गैलप ने नहीं किया, एक और भी आगे जो है उसने किया है, और अगर रिजल्ट इसके खिलाफ आए तो बिल्कुल इनका हक है, उनको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ट्ररी अगर यही रिजल्ट आया तो फिर माफी मांगेंगे पब्लिक के लिए? बिल्कुल मैं पीपल्स पार्टी का ये हक है कि वो ये बात करें। हाँ। और हम सब ने सुनी। आप भी उस गैलप के सर्वे को मानते हैं? मैं नहीं, वो गैलप सर्वे फजूल होते हैं, ये सारे ठीक नहीं होते। हाँ। ये सब अपने अपने करते हैं। मैं अर्ज करूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग तशद्दुद की पॉलिटिक्स पे बिलीव करती है, पहले भी करती है या अब भी करेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि 2013 का इलेक्शन रिग्ड था, ठीक है जी। 29,000 वोट वो तैयार करके बैठे हुए हैं अपना, हम इंशाल्लाह नहीं डलने देंगे, हाई कोर्ट में चले गए हैं, उम्मीद है हमारे। यानी आपको इस बात का शक है कि जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल अनवेरिफाइबल वोट है? अनवेरिफाइबल वोट आप कैसे रख सकते हैं? बात पूरी सुन लेंगे, वो कैसे आप उसमें शामिल कर सकते हैं? वो पहले ही कह रहे हैं कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते, हम कहते हैं उसकी तस्वीरें ला दें, वो कहते हैं यूसी 50 और यूसी 51 में पठानों के वोटों को रद्द कर दिया गया है कि इनको नहीं डालने देना, वो पहले बता रहे इलेक्शन अफगानिस्तान से है, वो उनका वोट बना हुआ है, उनका वोट पाकिस्तान में, उनका वोट ठीक है, चलो ये तो होगा वोट कर लेंगे, मुहाजरीन जो आए थे उनका वोट, लेकिन वोट नहीं है, पीटीआई को वोट डालेंगे या फिर चलो छोड़ दे इस बात को, अफगानियों को भी वोट डलवा लो फिर भी नहीं देंगे, ये रोना धोना पहले शुरू हो गया। 200 यूनियन काउंसिलों का वोट 29,000 कितने आराम से बैठे हुए हैं ना, कि 29,000 से सानू सलामी मिल गई ना, सलामी आगे सुने बदकिस्मती अब सूरत हाल ये है इस हल्के में, पूरे पाकिस्तान में चोरी फट गई है। अच्छा, लोग बेनकाब हो गए हैं। अच्छा। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, ट्रायल टीवी पे चला है। अच्छा। स्टेटमेंट्स में इख्तलाफ टीवी पे आया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फैसला तो आवाम ने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी रेफरेंस आएगा इंशाल्लाह, शेर की जगह हमेशा बेटा सलाखों के पीछे होती है, वो बाहर आए इंसानों का नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ओके 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 शामदीद कहते हैं, और गर्मा गर्म माहौल है उसका नजर भी आ रहा है आपको, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग प्रोग्राम को होने दें, यहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी हैं और इदारे भी हैं, वो आपके ये चूंकि सेंसिटिव हल्का है इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग बात सुने, उसमें आप बात कर ले फिर मैं पब्लिक के पास जी। जी देखिए, अब मुझे उतना टाइम जितने मेरे भाइयों ने दिया था, तीन बातों का जवाब देते हैं। पहली तो बात यह है कि जो 29,000 वाली रिपोर्ट है, मेरी इतला के मुताबिक नादरा ने इसको डिनाई किया है और इसका जो भी जवाब है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू आ जाएगा। हाँ। लेकिन मेरा यहाँ पे जो ये तो जाए ना हाईकोर्ट
जवाब मिल जाएगा आपको। मेरी यहाँ पर सवाल यह है कि जो अभी ये जो अल्लाह की शान ये है कि इस मुल्क में चोर जो है, जो सबसे बड़ा सर्टिफाइड चोर है, जो लोगों के ज़कात के पैसे खाता है, जो लोगों की खैरात के पैसे खाता है, वो दूसरे को चोर कहते हैं। अगर ये चोर लेंगे जवाब लेंगे। अच्छा उस वक्त तक किसी को बेटा आपने चोर नहीं कहना जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको चोर ना कह दे। एक सेकेंड, उनका जवाब मुकम्मल हो जाए प्लीज। के बारे में क्या ख्याल है, किंग कमीशन 2.5 साल से बुला रहा है, क्या कि अपने फॉरेन फंडिंग का जवाब दो, तुमने फंड कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया, उसका कोई जवाब नहीं देता। हमारी डे टू डे हेयरिंग हुई और वो जिनकी अपनी जो बाबाए ऑफशोर है, उनकी अपनी ऑफशोर कंपनियां निकली, उनको तो डे टू डे आपका जवाब नहीं देते। जवाब ये आवाम की अदालत है जो वजीर आजम बनाती है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट बनाती है, ना कोई हाई कोर्ट बनाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ के हल्के की आवाम है, मैं यहाँ के हल्के की आवाम है, और पता लगा क्यों निकाला ऐसी जगह लाहौर से बाहर छोड़ के आएंगे तुम्हें, लाहौर से बाहर छोड़ के आएंगे तुम लोगों को। ओके ओके, बताइए यहाँ पे जो सबसे बड़ा एतराज किया जा रहा है वो ये कि इतनी दफा पीएमएलए ने यहाँ से जीते लेकिन हल्के के लोगों का काम नहीं हुआ, सीवरेज का पानी यानी साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा, तो पीएमएलए ने कुछ काम किया है यहाँ पे? मेरे बॉस ने अगर साफ पानी ना होता तो इनको पेटों से भी तो ना निकला थी। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी से पूछ लेती हूँ जरा पीपल्स पार्टी की सुन ले। जी जी, यहाँ पे क्या काम हुए और आप क्या समझते हैं यहाँ पे गाड़ी होगी इंशाल्लाह 17 सितंबर को, कि पीपल्स पार्टी का वोट बेशुमार बढ़ेगा और पीटीआई और नू वोट आगे से कम होगा। ओके, ये आप बताएं कि ये गली मोहल्ले सेवरेज ये वो इसका काम किसने कराना? आपने कराना था? चेयरमैन को सारे असल में बलदियाती हवा तो इन्होंने करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, किसी को नहीं दिए। अच्छा, ये एमपीएमएलए के पास फंड आते हैं वो अपने चेयरमैन को देते हैं, हम 6 दरखास्तें दे चुके हैं। आपको कोई फंड नहीं मिला? नहीं जी, मेरी वार्ड में 6 माह से ट्यूबवेल खराब है, हम दरखास्तों पे दरखास्तें देने लगे, एमपीए हैं उनको भी उनके पास भी गए हैं कि बच्चे, लेकिन चूंकि आप जीते थे इसलिए पीटीआई के लोगों को ट्यूबवेल नहीं दिए गए। इस वार्ड में ट्यूबवेल नहीं लगाया गया ना भाई, वो कह रहे ट्यूबवेल खराब है। अच्छा, इधर पीएमएलए फर्क होता है, ठीक हो गया। पीएमएलए आप बताइए कि ये जो इल्जाम लग रहे हैं ये दुरुस्त था? कोई हल्के में काम नहीं हुआ, ये काम बोल रहे हैं, ये डेवलपमेंट बोल रही है, लोग दिलों के साथ, लोग जज्बे के साथ। अलीफ साहबा जब लाहौर में इस NA 120 में एंटर हुई तो लोगों ने गुलपाशी की, औरतें बच्चे जवान सारे घरों से बाहर निकले, उन्होंने इजारे चेहरी की कि हम बेगम कल्सूम नवाज साहिबा को जितवाएंगे और ये साबित करेंगे कि यह मोहम्मद नवाज शरीफ का किला था, है और रहेगा। ये जो काम होते हैं डेवलपमेंट के, जाहिर है कि लोग कहते हैं एमएनए एमपी, आपने खुद कंटेस्ट किया है इलेक्शन, ये काम तो जिला काउंसिलों के हैं, जाहिर है कि उनको ना इतने इख्तियार मिल रहे ना उनको फंड, जो जीतने वाली पार्टी होती है उसके पास ज्यादा होते हैं। पंजाब में 36 जिला हैं और सिर्फ एक लाहौर के अंदर इतना काम कर दिया गया 20-25 अरब रुपए का, 200-250 अरब रुपए का काम, जो शायद अगर हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके पंजाब में करते तो शायद वो इंसाफ पर मबनी बात। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि लाहौर में काम ही नहीं हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूं, सवाल किया जवाब देना मेरा। हाँ। काम कहाँ किया और क्यों किया? हाँ। इसको मैं मॉन्यूमेंटल पॉलिटिक्स कहता हूँ। हाँ। कि एक बहुत बड़ी सी सड़क बना दी, उसमें 100 अरब की सड़क बनाई, 50 अरब उसमें से खाना बहुत आसान है, उस रिकॉर्ड को जला देना बहुत आसान है, लेकिन
अगर यही बल्दियात को फंड्स दिए जाते तो वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होके किसी की गली, किसी की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो सारे मामला इस्तेमाल हो। बिल्कुल, इस तरह फंड्स के साथ मजाक किया जाता है। कहा तो ये कहा जा रहा था काम नहीं, और फिर ये के प्री पोल रिगिंग हुई है यहाँ पे, बेतहाशा काम चंद दिनों के अंदर, और मुलाजमतें भी लोगों को बांटी गई। अब देखिए ना, मुझे यही तो समझ में नहीं आती इनकी कौन सी बात मानूं। पहले कहते हैं ट्यूबवेल है नहीं, फिर कहते हैं अच्छा हाँ है, वो खराब है। अब एक तरफ काम हुआ नहीं, ठीक कराना है। बराबर मैंने आपको टोका नहीं था, मेहरबानी करें ना, इशारा ना करें। फिर इस तरह आप बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, शोर मचाने का मुकाबला होगा तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं बचा सकेगा। अच्छा, मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है, अब ये यही बात है, कभी इनको वोटर जो कभी जाहिल लगता है, कभी इनको वोटर अनपढ़ लगता है, और वही वोटर फिर इनको जवाब वोट नहीं डालता, फिर ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब आज इनको लाहौर की तरक्की बुरी लग रही है, और उसी लाहौर के वोटर से ये वोट मांगने के लिए किस मुंह के साथ जा रहे हैं, जिस मेट्रो बस को कल तक जंगला बस कहते थे ना, आज फिजिबिलिटी के लिए धक्के खाते फिर रहे पिशावर के अंदर कि हमारे लिए एक मेट्रो चला दे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मेरा बड़ा दिलचस्प सवाल है हल्के की आवाम के लिए, बड़ा दिलचस्प सवाल मैं छोड़ूंगी ब्रेक के बाद, जो कि पूछने मैंने और छोड़े अभी जा रही हूँ, कि पनामा का असर इस हलके के आवाम, या पनामा के फैसले को इस हलके के आवाम ने किस हद तक जो है वो समझा है, एक्सेप्ट किया है कि नहीं, क्योंकि पीएमएलएन कहती है कि ये रेफरेंडम है, और पीटीआई ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको जितवा के सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होना है, ऐसा होगा कि नहीं? ब्रेक के बाद से बात करेंगे। मैं साथ ही 20 साल हो गए नून लीग की हुकूमत को, हाँ, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं बना सके। टैंकी के लिए यहाँ से हुकूमत पंजाब चाहिए होती है। कोई ना कहे मुझे क्यों निकाला, कोई ना बोले। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमा का सवाल बड़ा सेंसिटिव सवाल है, और वो हम पूछेंगे। मैं यहाँ से शुरू करूंगी, फिर मैं अपने भाइयों के पास इधर आऊंगी, और आखिर में पीएमएलएन के पास आऊंगी। जी, मेरा नाम शाइस्ता खालिद है, और मैं पीपल्स पार्टी पंजाब की विमेन विंग की फाइनेंस है। आप ये देखें कारकर्दगी का, मैच्योर लीडरशिप को दो दफा मार दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर वो पार्टी आज जिंदा है और अपनी जगह पे खड़ी है, और मैं समझती हूँ कि इस दफा मेरा दिल आज पीपल्स पार्टी को एक लीडर मिला है बिलावल की नज़र में, और वो उसके साथ इंशाल्लाह ताला जो लोग घर में हैं वो उठेंगे और इंशाल्लाह ताला इतना वोट डालेंगे इनको नजर आ जाएगा। बिलावल का वोट है, ओके, बिलावल का वोट है जी। अच्छा मैं इधर पीएमएलएन आखिर में हुकूमती जमात है ना जी, एक जी जी मेरे भाई आप क्या? मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए ताकि हर बंदा खुशहाल हो जगह जगह। इस दफा अगर इमरान खान को सीट दी जाए तो ज्यादा मजा नहीं, आजमा ले उसको भी, आजमा के देखें इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। पहले बात तो ये है कि यहाँ पर हमें मेन फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, इनके बच्चों को जरा सा नजला हो ये बाहर चले जाते हैं, और हमें पैरासिटामोल तक नहीं मिल सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। क्या हम लोग यहाँ के टैक्स पेयर्स, क्या बात है? हाँ, ये तो सारी पब्लिक का मसला है, ये तो सारी पब्लिक का मसला है। एक सेकेंड यहाँ पे जी, आपसे बात करें जी। मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने इनके साथ एक वो के इमरान खान के बोलने वाले उसी स्टाइल से उसको मैंने रिक्वेस्ट की, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे 50 लाख रुपया दिए, तब 100 के ऊपर चली गई थी उसकी कैंसर, तो कहते हैं फिर मैं दाखिल करवाऊंगा। अच्छा, ये उस वक्त लेकिन देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर उसमें होते हैं, इसमें तो हम ये बड़ी बात है कि आसमान ये नीचे बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं जवाब लेती हूं, मैं जवाब लेती हूं इसकी बात का, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अप्रोच करवाई, सब कुछ करवाया, और वो उसके आकर बंदे ने मुझे बोला कि आप 50 लाख रुपया कर सकते हैं। ओके ओके, अच्छा अब ये अबरार देखे, लोग तब्दीली की बात करते हैं, लोग कहते हैं केपीके में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, और यहाँ पे भी आपने कैंसर हॉस्पिटल के बारे में लोगों की कंप्लेंट। मैं दोनों का जवाब देता हूँ। 30 साल हो गए नून लीग की हुकूमत को, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं बना सके जिसमें वो अपनी मिसेस का या अपना या किसी भाई का इलाज करवा सके। इमरान का ये सवाल दुरुस्त है, आवाम का भी ये सवाल दुरुस्त है। जवाब हो गया ना, सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम पे इमरान खान ने बात की, मेरी बात नहीं होती है, मेरी बात नहीं है, बात मेरी बात गलत आगे जा रही है, वो बात को इंटरप्रेट गलत कर रही है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान का ख्वाब अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में पूरा नहीं हुआ, 80% हुआ है, अभी भी रहता है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया, वो झूठा नारा कभी भी नहीं लगाएगा। प्लीज, 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 प्लीज।
इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल बनाया, जमीन ली नवाज शरीफ साहब से, पैसा लिया हम सब से, आप उन्होंने मुझे भी नहीं दी, मैंने खुद खरीद के बनाया। आप ऐसे ना करें बराबर, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, बात गलत चले आपकी, बराबर ही दादागिरी का मुकाबला करना फिर नहीं चलेगा। अच्छा चलो, जब मैं बोलने लगती हूँ बीच में चले आप कंप्लीट, मैं इनकी बात सुनती हूँ, चले आप कंप्लीट, हौसला जरा सा हौसला करें, अभी तो 17 तारीख में 3-4 दिन है। अच्छा दूसरी बात यह है कि इनको अस्पताल की बड़ी फिक्र है, तो मैं इनसे पूछ सकती हूँ कि उन्होंने इतराफ किया है नाकामी का, उन्होंने कहा मैं नाकाम हुआ हूँ इनसे डेंगू के लिए। अच्छा ओके ओके, अच्छा मुझे क्यों निकाला, कोई ना कहे मुझे क्यों निकाला, कोई ना बोले इनको डेंगू के लिए यहाँ से हुकूमत पंजाब चाहिए होती है, इनसे चूहे इनसे संभाले नहीं, दूसरों को बात करने से पहले खुदा के वास्ते बात, चुप करें, चले पहले बात करने से पहले इस बात का जवाब दे दें कि क्या इमरान खान साहब ने केपीके में कोई ऐसा स्कूल बना दिया जहां उनके बच्चे मिनिस्टरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका बच्चा भी ले आना आसमान से उतरे हैं, आप क्या करेंगे क्योंकि आप उसे लेकेंगे। मैंने पूरा मंशूर दिया है अपना NA-120 के लिए, जिसमें कि हम ये करेंगे कि जिस तरह पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंप्रूव करने के लिए एड लेते हैं, चले आपके पास कोई प्रैक्टिकल पॉइंट, हम यूनिसेफ के पास जाएंगे, ये पैसे हम अपना फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, और उसके बाद एक मॉडल अथॉरिटी मंसूबा तो है उनके पास, मॉडल अथॉरिटी से एक मंसूबा हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस हलके में 17 सितंबर को क्या फैसला होना है, किसको कितने वोट मिले, इस मार्के के अंदर सबसे ज्यादा अहम फैसला इस हलके की आवाम का है, वो क्या फैसला करते हैं और आप क्या फैसला करते हैं, आप भी जानते हैं, फैसला आपका।